भाई हॉरर मूवी चल रही है और ये कहाँ घुसी हुई हो तुम? मुझे नहीं देखना। बस हवा निकल गई। निकलो तो बाहर। नहीं मुझे नहीं देखना। थैंक यू सो मच। बाहर तो देख नहीं लो। आना मुझे नहीं आना। थैंक यू। अरे नहीं आना। फट्टू हाँ फट्टू ना। सीन तो देखो। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। तो यार जिस जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया कर दो और बेल आइकन का बटन भी दबा दो ताकि मेरी डेली अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। यार अभी अभी घर आया था 2:15, लेकिन आते ही इस मैडम ने नई फरमाइश कर दी। क्या? अभी आई है दावत से और अब बोल रही है कि मुझे बाहर की पठान की चाय पीनी है। अपने हाथ की चाय तो उसको अच्छी नहीं लगती, मुझे भी नहीं लगती। मैं अपनी वाली चाय बनाती हूँ क्योंकि आप पीते नहीं है। मैं अपनी वाली बनाऊंगी, सबको पसंद है। अच्छा, हमको सिखा रहा है? मुझे नहीं पसंद लेकिन। चलो चले। ओके चलो चाय पिला के आते हैं उसको, फिर देखते हैं क्या सीन। तो भाई बाहर आ गए, बताओ आप कहाँ की चाय पीनी है तुम्हें? शोरूम। मेरे शोरूम वाली चाय पीनी है। हुँ. तो चलो भाई इसको वहीं लेके चलते हैं शोरूम पे, मतलब शोरूम के पास जो चाय वाला है उसके पास जाके चाय पीते हैं। भाई इधर तो बहुत ज्यादा सन्नाटा है, ख्यालों की तपिश जिंदा हो जाएगी अगर यहाँ से चाय पिएंगे तो। यहाँ नहीं पीते भाई, कहीं और चल लेते हैं। अच्छा तो भाई कहीं और चल के चाय पीते। भाई आ गई हमारी चाय और ये पराठा, ये इस मैडम की ख्वाहिशात है छोटी छोटी जो है ना, वो किसी भी चीज़ में सेटिस्फाई नहीं है, चाहे वो छोटी चीज़ हो चाहे वो बड़ी चीज़। अब इस पराठे की मिसाल ले लो, क्या खाना था तुम्हें? दूसरा वाला। मुझे इसने नहीं बताया क्या खाना है, उतने होशियारी की। तो ये चाय वाला है, चाय के साथ ये चाय वाला नहीं होता। दूसरा मैंने कहा भी जो क्रिस्पी वाला होता है ये अच्छा है, ये खाओ ये भी अच्छा। ये तो रोटी वाले पराठे उठा के दे दिए। ये भी अच्छा है ये खाओ। मुझे नहीं खाना। मुझे वो चाहिए। ये खाओ खाओ तो अच्छा है, ट्राई तो करो वरना वापस करा देंगे। वापस क्या करूँ? चलो भाई यही खाएं, ये चाय हमारी। आज एक सीन हुआ, मैं तुम्हें एक सीन बताता हूँ। आज मैंने एक बंदे से सवाल पूछा, उसने मुझे गलत जवाब दिया। अब तुम भी दो जवाब इस बात का। मैं जब 6 साल का था तो मेरा छोटा भाई 3 साल का था। मैं 25 साल का हूँ तो वो कितने साल का होगा? छोटा भाई नहीं है। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक। अबे यार एक छोटी बहन है समझो। मैं अगर 6 साल का था तो मेरी छोटी बहन 3 साल की थी। अब मैं हो गया हूँ 30 साल का समझो, तो मेरी छोटी बहन कितने साल की होगी? 3 साल छोटी। बड़े हरामी हो बेटा। इतने सही जवाब दिया, वरना मोस्ट ऑफ द पीपल गलत जवाब देते हैं। मेरी बीवी बहुत इंटेलिजेंट है। मैं तुम लोगों को बोलता हूँ ना, ये बहुत शपाटर लड़की है, कराची की। एक कराची की बदतमीजी नहीं कर रहे? कराची की हो ना? हाँ। तो मैंने कब बोला कराची की नहीं हो? कराची की शपाटर लड़की भाई। बीवी किसकी? डेंजरस लड़की है ये हर चीज का सही जवाब देती है। कि एक बात मानी तो उसको बड़ा रहम आ रहा है मुझ पे। अभी मेरे दोस्त की कॉल आई। अच्छा हमको सिखा रहा है। दोस्त की मेरे कॉल आई, मुझे खुद बोल रही आपको जाना है। फिर बोला जाना है भाई, ऑब्वियसली जाना है। तो क्या बोला? एक घंटा सिर्फ।
तो बोलती है आप एक घंटे के लिए चले जाओ। संडे मेरा होता, आज पूरा दिन आप बाहर थे और अभी भी मैं आपको भेज रही। तो अभी रात के 2:15 हो रहे हैं और मेरी बेगम ने मुझे एक घंटा और बाहर रहने की इजाजत दे दी है भाई। थैंक्स, लव यू। 2:30 बजे आपके घर आने का टाइम होता है? 2:30 नहीं, अब ज्यादा नहीं पेको। मेरा 2:30 है, आप अपनी तरफ से आते 3:30, 4:30, पता नहीं कब। मेरे लिए तो 2:30 है ना। तो जिंदगी भाई शुगर मेला लगा हुआ है जिंदगी में। जिंदगी अपनी बड़ी चिल है, ऑन सीन है। तो भाई चाय शाय पी ली है इसने, मैंने भी और इसने भी। तो अब बस इसको घर जाके ड्रॉप करूँगा और फिर थोड़ी देर के लिए दोस्त के पास जाऊँगा। दोस्तों के पास चाय जाके चलूँगा। पहली फुर्सत में निकल, गाड़ी में खुद जाऊंगी। अपनी शक्ल देखी है, उतरे यहाँ से। अपनी शक्ल देखी है तुमने, उतरे ये मेरे गाड़ी है समझे, ये मेरे मियाँ की गाड़ी है, मतलब मेरी गाड़ी उतर है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। बेगम को घर पे छोड़ दिया है, अब आ गया हूँ अपने वन एंड ओनली फ्रेंड के पास। प्रो, तो थोड़ा इसके साथ चिल चिल करते हैं, उसके बाद फिर घर चलते हैं। तो यार फाइनली घर आ गया हूँ, रात के 3:30 बज गए। जल्दी होता है, जल्दी आया हूँ आज। बस रोज के मुकाबले आज जल्दी ही आया हूँ, रोज के मुकाबले। थैंक यू सो मच, आपकी मेहरबानी, आप आ गए। तो यार घर आ गए, अब जल्दी आ गए तो मूवी शूवी देख लेंगे कोई है, थोड़ी देर बाद। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। क्या क्या, मैं नहीं सोऊं क्या? नहीं मैं सोऊं नहीं क्या? आप मुझे पूरी रात चौकीदारी में लगाए। चलो दे दो, दे दो। खाना शाना भी खा ही लेते हैं जब घर आ रहे हैं तो खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं। खाना दो। ओके। जाओ 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 जाओ, खाना दो, जाओ जाओ, खड़ी हो। पहली फुर्सत में निकल, तब खाना गर्म हो रहा है, कोई मूवी शूवी लगा लेते हैं जब तक। तुमने कहा चलो भाई ये देखते हैं क्या है। ये खाना शाना भी गर्म हो गया, खाने में है हमारे पास चिकन कोरमा, कफ्तान और मूवी। खाना शाना भी खा लिया, हर चीज़ से फारिग हो गए, अब बस मूवी देखेंगे कोई हॉरर। अभी मजा आएगा ना। हॉरर नहीं, क्यों? मैं देखूंगी आपके साथ, मैं नहीं देखूंगी आपके साथ। क्यों, डर लगता है तुम्हें? तो भाई भाई हॉरर नहीं यार। हॉरर ना? नहीं। हाँ इसकी बोतों से बड़ी फटती है भाई, फट्टू इंसान है ये। तुमसे ना हो पाएगा। नहीं यार, नहीं यार, वो तो नहीं। प्लीज। फिर क्या? कुछ भी अच्छा सा देख लेंगे। क्या? तो पता बताओ भाई क्या देखना है, ड्रामा, कॉमेडी, क्राइम? हेलोवीन देखते हैं, इंटर इफ यू डेयर लिखा हुआ भी है। फट्टू नहीं, इंटर एफ यू डी है। पीछे तरह हटा, यही देखते हैं, यही देखते हैं यार। नहीं देखेंगे, डर लगता है। तू है यार, तू देखने यार। तो उन्हें फाइनली हॉरर मूवी लगा दिए, अब तुम्हें पता चलेगा। ये देखिए कैसा है। ऐसा कोई नहीं है जो जिंदगी में कभी सच्चाई से भरे ख्यालों को थमे बिना जी सका। माना है कि एक बदन के भी ख्याल क्या अब मजा आएगा। ऐसे देख रही है वो। इसने मूवी हटा दी है भाई। अरे यार इतनी अच्छी मूवी थी, नहीं मुझे नहीं देखनी। फिर क्या देखना है तुम्हें? फट्टू 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 फट्टू। भाई इसका काम ये है, और मूवी देखना इसके साथ हम वही फैमिली ड्रामे देख सकते हैं। क्या देखना है तुम्हें? पता
मुझे देखना ही नहीं, आप देखें, मेरा मूड खराब हो गया, नॉट इंटरेस्टेड। तो भाई अब मैं ही अपना कुछ लगा के देखता हूँ, हॉरर मूवी देखने वाली लड़की नहीं है, बहुत डरती है, बहुत ज्यादा डरपोक है। मूवी शूवी तो ये देख नहीं रही, डर रही है बहुत ज्यादा। तो बस आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करो, कॉमेंट करो और शेयर करो, और वो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो यार, दो भाई भाई कोई गैर तो नहीं है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।